छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजधानी भोपाल के वाल्मी संस्थान में प्रलय श्रीवास्तव की पुस्तक मध्य प्रदेश में चुनाव और नवाचार का विमोचन किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत विशिष्ट अतिथि हुए। वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव कार्यक्रम के अध्यक्ष और पूर्व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जेएस माथुर, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह, विजय दत्त श्रीधर, उमेश त्रिवेदी और रमेश शर्मा विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। पुस्तक में मध्य प्रदेश के चुनाव के इतिहास, नवाचार तथा विभिन्न उपयोगी संदर्भ सामग्री का समावेश किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय है, जहां मध्य प्रदेश के चुनाव की, खासतौर से विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कराने की जिम्मेदारी होती है, उस चुनाव की टीम से मुझे जोड़ने का मौका 10 से 15 साल तक मिला लगातार। इस बीच में काफ़ी जो संदर्भित सामग्री है और जो वहाँ का रिकॉर्ड था पुराना मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक, उसको मुझे जानने का मौका मिला। मैंने अपने जितना समय मुझे मिलता था मैंने उसमें वहाँ स्टडी की, रेफरेंस मटेरियल जुटाया और एक चुनाव के क्षेत्र में जो नवाचार लगातार हो रहे थे, जो पिछले समय जो कभी भी ईवीएम को लेके आरोप लगाए जाते थे या वीवीपैट को लेके, इन सब के संबंध में विश्वसनीयता को कायम रखते हुए सारी सामग्री जुटाई, नवाचारों को उसमें उल्लेख किया। आज जो हम देखते हैं कि नवाचार जो मतदान केंद्र में, चाहे वो सेल्फी पॉइंट हो, चाहे वो आदर्श मतदान केंद्र हो, दिव्यांगों के लिए व्यवस्थाएँ हों, ये सारे नवाचारों को उसमें एकाकार करते हुए और विधान और लोकसभा विधानसभा चुनाव की पुरानी 1951 से लेके 2018 तक की सारी जानकारी उसमें जुटाई और उसका उल्लेख इस पुस्तक में है। ये पुस्तक न सिर्फ मीडिया कर्मियों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए भी, और जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अध्ययन करते हैं, शोधार्थी, उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगी। इसमें सारा डाटा एट ए ग्लांस मौजूद है, रिजल्ट्स हैं 2018 के चुनाव के, उल्लेखनीय घटनाएं हैं, रोचक जानकारी है, देश में कितनी महिला सांसद कब कब निर्वाचित हुई 1951-52 से लेकर अभी तक, वो उसकी जानकारी है। वह संदर्भ है और विमोचन होना बहुत बढ़िया चीज है। एक बहुत बड़ा जिम्मा था चुनाव आयोग से संबंधित आपके विषय में, क्या है पुस्तक में, क्या नया नवाचार देखने को मिलेगा? सारे रेफरेंस है, जो भी नवाचार अभी तक हुए उनका लेख है उसमें, उनका प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या है वो भी दिखाया गया है और भविष्य की संभावनाएं भी बताई। भविष्य में क्या संभावनाएं की जा सकती है, जैसे रिमोट वोटिंग मशीन है, इस तरह की चीजें। हाँ, चुनाव एवं नवाचार को लेकर उन्होंने जो पुस्तक लिखी है, तो वर्तमान समय में किस तरह की चुनाव की जो व्यवस्था है, प्रणाली है, और प्रत्येक मतदाता की क्या अपनी उपयोगिता है, और उसको लेकर तमाम सारी चीजों को उन्होंने बहुत विस्तार से उस पुस्तक में लिखी है। और मैं समझती हूँ कि एक वोट का भी महत्व कितना बड़ा होता है और क्यों लोगों को मतदान देना चाहिए, सारा विषय संदर्भ उसमें संकलित है। और मैं समझती हूँ कि ये पुस्तक जो है भविष्य के लिए, आने वाले चुनाव के लिए, हमेशा लोगों को एक जागरूकता देगा और लोग जो हैं अपने मतदान के प्रति जागरूक होंगे और मतदान करेंगे ये पुस्तक। कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजधानी भोपाल के वाल्मी संस्थान में प्रलय श्रीवास्तव की पुस्तक मध्य प्रदेश में चुनाव और नवाचार का विमोचन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।